आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टीके के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। एक बात और जान लीजिए कि जीएस और हिंदी से रिलेटेड वीडियोज़ जो भी अपलोड करेंगे वो आपको मॉर्निंग टाइम में मिलेंगे, और जो लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको शाम को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो से चार क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से मिलने ही मिलने हैं, ये जान लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई व चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद और हरे रंगों की 3 पट्टियां होती हैं। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, नेशनल एम्ब्लेम के बारे में, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक हैं। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, और चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रगान नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगणमन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगेरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगेरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सदस्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है।
राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल, बाघ पैंथेरा टिग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है जिसे अपनी शालीनता दृढ़ता फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू की गई। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर पावो क्रिस्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आँख के नीचे सफ़ेद निशान, सिर पर पंखे के आकार की एक कलगी होती है। मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कमल निलंबो न्यूसीफेरा गर्टन भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा व कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री बरगद वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती हैं। वे जड़ें नई टहनियों एवं डालियों को जन्म देती हैं और अपनी एक विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट आम मैंगी फेरा इंडिका उष्णकटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है तथा इसकी खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। भारत में आम अनादिकाल से प्रचलित है। अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री वेनसांग ने भी इसका स्वाद चखा एवं इस फल को सराहा। मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा बिहार में 10,000 आम के पेड़ लगवाए जिसे लखीबाग के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पहाड़ों घाटियों एवं मैदान पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है जहां इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है जिसका विस्तार लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। राष्ट्रीय जलीय जीव विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन सूस को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह भारत में गहन संकट ग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। हाथी केरल कर्नाटक और झारखंड राज्य का भी राजकीय पशु है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी इसको तैयार कर पाएँ और पेपर क्लियर कर पाएँ। तो
आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।